म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम मैंगो कोकोनट कुल्फी जैसा है, टेस्ट करता हूँ कैसा है। आइसक्रीम जैसा तो नहीं है, टाइम कैप्सूल में जाना है। ये सारी चीज है, सी जैसा बना है टायर, क्या कितना बड़ा है। हम लोग को लग रहा था कि एक ही फैमिली को ले रहा से अलग एक व्यू दिख रहा है। मार लाइन पार्क जा रहे हैं अभी, यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे। हम लोग यहाँ पे है एंड हम लोगों को यहाँ पे जाना है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है डे 3 और आज हम लोग अभी यहाँ पे बजे है 12। हम लोग ने 12:30 का मतलब एक स्लॉट बुक किया है आइसक्रीम ऑफ म्यूजियम में, तो वहाँ पे मेरे को पहल को लेके ही जाना था, तो इसके लिए वो एक परफेक्ट जगह है एंड मैं और भाविका भी देख लेंगे। और अभी हम लोग ने यहाँ पे ना ग्रैब का, हम लोग 2 दिन से ग्रैब टैक्सी यूज़ कर रहे थे, इवन हम लोग MRT में भी घूम रहे थे, बट MRT में प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा चलना ज़्यादा पड़ता है, और अगर आप अकेले हो जैसे मैं और मेरी वाइफ अगर अकेले आते तो हम लोग चल लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट मेरे साथ मेरी ये डॉटर है ना, अगर हम लोग उसको ज़्यादा चलाएंगे तो वो फिर इवनिंग तक बहुत थक जाती है। तो अभी मैंने ऐसा सोचा है कि हम लोग जो डेस्टिनेशन पे हमें जाना होता है ना उसके लिए हम लोग मतलब ये टैक्सी वगैरह यूज़ कर लेंगे, और अगर ऐसे ही हमें कहीं बाहर जाना है चक्कर मारने के लिए और कुछ करने के लिए तो हम लोग फिर, जैसे हम लोग कल रात को, जैसे आपने देखा कि हम लोग वहाँ पे लिटिल इंडिया में फिर MRT से ही गए थे, तो अच्छा ऑप्शन है, आप लोग भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं रुका हूँ यहाँ पे वी लवेंडर होटल में, और हमारे यहाँ से मेट्रो स्टेशन भी बहुत पास है, तो बस अभी हम लोग टैक्सी का वेट कर रहे हैं अभी। हाँ, यहाँ पे हाँ ये है कि ग्रैब टैक्सी है ना, उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, नॉर्मल का और फैमिली का। तो अभी 2 बार ऐसा हुआ कि हम लोग टैक्सी में बैठे, उसके बाद उसने हमसे $2 ज़्यादा लिया एक छोटी सी ऐसे सीट के लिए। उसने बोला आपकी लड़की छोटी है तो आपको ग्रैब फैमिली बुक करना चाहिए, तो अभी आज मैंने ग्रैब फैमिली ही बुक किया है। और नॉर्मल ग्रैब का कुछ $15.70 का प्राइस था, और ये वाले का हमारा प्राइस था $20.70 सिंगापुर डॉलर। तो बस अभी हम लोग टैक्सी का वेट कर रहे हैं, टैक्सी आएगी एंड देन हम लोग यहाँ से वो आइसक्रीम ऑफ म्यूजियम जाएंगे, और देखते हैं यार 12:30 का हमारा टाइम स्लॉट बुक किया है, टाइम पे पहुँच जाए तो अच्छा है। तो भाई बच्चों वाली सीट ऐसी है यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा इन्होंने ऐसा सीट रखा है, उस पे बच्चे को बिठाना है, सीट बेल्ट पहनाना है, और बस अभी टैक्सी आ गई है, नाउ वी आर गोइंग म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम, अभी यहाँ पे पहुँच गए हैं। पहल आर यू एक्साइटेड? ओके, सो बस भाभी का यहाँ पे वही रेगुलर इनका फोटो लेना और ये सब। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं एंड अंदर जाके देखते हैं कैसा है एक्सपीरियंस, कैसा रहेगा। ये है पूरी जगह, बहुत ही शांत है, और हमारे टैक्सी वाले ने बोला कि ये ऐसे एरिया में बनाया है जो सिंगापुर का सबसे महंगा एरिया है, और यहाँ पे उसने बोला कि एक जो बंगलो होता है वो $2 मिलियन से भी ज़्यादा का हो सकता है, $2 मिलियन से भी। तो मतलब ये भाई अपने जुहू वाले एरिया से भी ज़्यादा महंगा है, एंड हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे यहाँ पे, तो अगर किसी को यहाँ पे घर लेना है, अगर सिर्फ 1 BHK भी लेना है तो $1 मिलियन, मैं जब भी डॉलर बोलूँगा तो समझ जाना सिंगापुर डॉलर ही है, वो आपका प्राइस होगा। एंड हाँ, $600,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा है। तो ये सुन के ही मेरे को ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे घर लेने के लिए और कितना पैसा कमाना पड़ेगा, बट येस ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, सिटी ये कंट्री बहुत अच्छी है। अभी अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पे अंदर और बहुत सारी चीज़ें। अभी हमारा 12:30 का टाइम है, मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग लेट हो रहे हैं, बट 12:27 तक हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो अभी यहाँ पे हमें ऐसी बैंड बना दी है, वेजिटेरियन का नॉन वेजिटेरियन का ऑप्शन पूछा है। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे आए हैं अंदर, यहाँ पे आपको आपके नाम के साथ, हाँ ठीक है लखो, तो यहाँ पे आपको आपका जो भी फेवरेट आइसक्रीम है उसके उससे मिलते जुलते आपको आइसक्रीम के साथ आपका नाम लिखना है, और फिर आपको यहाँ पे चिपका देना है, तो ये बहुत सही है। मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। सब लोग ने अपना अपना लिख दिया है, मैंने विजय क्रीम लिखा है एंड पहल ने लिखा है पहल कोको। बस यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया क्या लिखना है, जो पता चला वो हम लोग ने लिख लिया। तो ये हमारा फर्स्ट अंदर आने के बाद है, यहाँ पे उन्होंने पूरा लिखा है कि आइसक्रीम कब से है, मतलब 500 BCE से आइसक्रीम है,
और यहाँ पे पूरी डिटेल दी है। मैं सच बताऊँ आइसक्रीम मुझे पसंद है, बट मेरे को ये सब में कोई पसंद नहीं है यार, इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री और इसमें, बट ठीक है जो भी है मैं आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे कुछ गेम है, मैं देखता हूँ क्या है वो। अभी यहाँ पे ये गेम है और ये सारी चीजें हैं जो भी आपको करना है वो ये है। अच्छा बॉल भी है यहाँ पे, गुड। ये यहाँ पे भी गेम है आपको यहाँ पे, बहुत सही है, मतलब बच्चे लोगों के लिए टाइम पास करने के लिए। बच्चे क्या सच बताऊँ इवन हमें भी मजा आ रहा है, देखो कैसे ये गया, सही है। अभी हम लोग वहाँ से आगे आए हैं एंड यहाँ पे आइसक्रीम है टेस्ट करने के लिए। सो यहाँ पे ये मैम हमको पूछेगी जो आइसक्रीम खाना है, मतलब वही जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे बताना है। यहाँ पे बहुत अच्छा है ये सब चीज़ें है। चलो आइसक्रीम टेस्ट करते हैं। तो मैंने पिंक गुआवा लिया, पहल ने भी पिंक गुआवा और भाविका ने कौन सा है डबल चॉकलेट। ओके कैसा टेस्ट है डबल चॉकलेट का? अच्छा है। अभी मैं ये पिंक गुआवा टेस्ट करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कैसा है। अच्छा है। हमारे यहाँ पे वो मिलता था ना मसाला, कौन सा मिर्ची वाला मसाला, रेड मिर्ची, अगर वो यहाँ पे मिल जाता तो मजा आ जाता। बाकी ये सही आइसक्रीम है। तो अभी यहाँ पे आइसक्रीम खाने के बाद मैंने वो भी खाई और चॉकलेट वाली भी खाई। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं दूसरे वाले पार्ट में। यहाँ पे क्या है मेरे यहाँ, ओके पहले यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पे अभी मैंने हमारा नाम लिखा है, ये भाविका का भावी और मेरा विजय, और पहल ने यहाँ पे अपना नाम लिखा है। और पहल ये सब क्या है बोलो? ओके तो मेरे को रिची रिच कार्टून बहुत पसंद है, हम लोग देखते रहते हैं, तो वो जो डॉलर का साइन है वो पहल को रिची रिच लगता है, तो वो बना है। सही है, मजा कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छा है। अब यहाँ से आगे जाते हैं, देखते हैं अभी यहाँ पे क्या है। ओके यहाँ पे फिर से कैफे जैसा बनाया है उन्होंने, तो अगर आप लोगों को खाना हो या कुछ पीना हो तो यहाँ से, ये अगेन ये सब मशीन है, पता नहीं इसके बारे में क्या है, देखते हैं। यहाँ पे पूरा कैफे जैसा है, तो चलो पूछते हैं यहाँ पे कुछ है क्या ऑप्शन। ओके यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेसो $3, ये सारी चीजें, कैपेचिनो एंड ऑल दिस थिंग। Yeah, hi. So we have two flavors here. Okay. We have mango coconut and yogurt. And? Yogurt. Yeah. Give me one mango coconut. yogurt वाला flavor का idea नहीं है कैसा होगा, तो पहले mango वाले लेके देखते हैं। We have sprinkles and wafers. Just give me wafers. Thank you. ट्राई तो कर पहल। ओके तो ये ट्राई करते हैं और देखते कैसा है। अच्छा है, खा सकते हैं। ओके तो पहल ने योगर्ट वाला लिया है, अब देखते हैं उसको ऐसा पसंद आता है। यू वॉन्ट दैट वेफर बेटा? ओके टेस्ट पहल, हाउ इट इज? अभी मैंने पहल वाला आइसक्रीम टेस्ट किया एंड सच में वो ज़्यादा बेटर है इससे। ये तो अपना मैंगो वाला फ्लेवर है, बट ये योगर्ट वाला है, ऑब्वियसली योगर्ट जैसा ही होगा, बट टेस्ट वाइज आइसक्रीम में योगर्ट पहली बार खाया था तो अच्छा है। अभी आगे जा रहे हैं हम लोग और यहाँ पे, हाँ पहल गो देयर, आई विल टेक वन फोटो। अच्छा इन्हें जमा देते हैं इन्हें गाड़ी से, हाँ गो 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 गो। अभी यहाँ पे पहल का सबसे बोलते हैं ना, मुंबई से ये वेट कर रही थी यहाँ पे आने के लिए तो फाइनली आ गई है एंड बस यही चीज है। अपने यहाँ पे ये 200-300 रुपया देके मॉल में मिल जाता है, बट यहाँ पे आने के लिए ये सब चीज है,
बट अगेन अगर ये बच्चे लोगों को मजा आ रहा है तो उसके लिए सही है। चलो वाइका से पूछते हैं कैसा है अभी तक का ये म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम कैसा है। अच्छा ओके चलो अभी ये थोड़ी देर यहाँ पे खेलेगी फिर हम लोग यहाँ से आगे और जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं एंड ये एक बहुत अच्छा है ये ऐसा इन्होंने पूरा यहाँ पे फोटो खींचने के लिए बनाया है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी यहाँ पे ये वाले ऑप्शन फिर से अगेन यहाँ पे आई थिंक आइसक्रीम खाना है अभी तो दो बार आइसक्रीम हमने खा ली है और दो बार खाने के बाद अभी मन भर गया है। वैसे यहाँ पे अनलिमिटेड आइसक्रीम ये लोग देते हैं बट पता नहीं कौन खा सकता है इतना अनलिमिटेड। थोड़ा आइसी भी है आइसक्रीम यहाँ पे ऐसा क्रीमी नहीं है इतना ज़्यादा इसके तो मज़े है यहाँ पे। वेट बेटा वेट वी हैव टू सी तो ये है पांडान भाई का खोल एक मिनट आने ओके ये हमारे कुल्फी जैसा है टेस्ट करता हूँ कैसा है ये हाँ ठीक है अच्छा है। एक स्टिकी राइस वाला भी है वो भी देखेंगे अगर होगा तो भाभी का लेगी तो ट्राई करेंगे। यहाँ पे लिखा है आइसक्रीम अराउंड द वर्ल्ड मतलब कहाँ पे कौन सी आइसक्रीम बनी थी हमारा इंडिया का है ये रहा भाई अपना इंडिया का कुल्फी ओरिजिनेटेड इन द 16th सेंचुरी और सारे कंट्रीज का लिखा है। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये दिखा देता हूँ अगर आपको रीड करना है तो आप स्क्रीन शॉट लेके रीड कर लेना। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं यहाँ पे प्लेइंग एरिया जैसा बनाया है पहल तो हमारे से एक स्टेप आगे ही है एंड वो ऑलरेडी यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रही है। अब बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे भी आइसक्रीम मिल रही है यहाँ पे क्या है देखते हैं व्हाट ऑप्शन यू हैव हियर ओके व्हिच इज दैट पांडुन ओके 6-6 बॉल का गेम खेलते हैं भाविका का फर्स्ट टर्न चल भाविका 1-0 2-0 जब भी किसी के साथ कंपटीशन करते हैं ना तो वो प्रेशर में आ जाता है 3-0 4-0 एंड चलो 5-1 लास्ट बॉल भाविका 6-1 मेरा टर्न है 6 भाविका का 1 हुआ था मेरा एक सेकेंड 2-1 एक गोल होगा और हो गया 3-1 राइट फाइव ना लास्ट ओके अगेन एक आइसक्रीम लिया है यहाँ पे पाइनएप्पल एंड रोज अभी ये ट्राई करके देखते कैसा है ओके ये भी अच्छा है नहीं नहीं बोल के मैं सब आइसक्रीम ट्राई कर रहा हूँ बट ठीक है ट्राई कर पाइनएप्पल एंड रोज केवी से इसका ज्यादा टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा नॉर्मल है यहाँ पे ये पूरा इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है एकदम मस्त
यस चलो नेक्स्ट नेक्स्ट ओके अभी यहाँ पे पोस्ट कार्ड लिखना है यू हैव टू राइट योर मैसेज एंड यहाँ पे ऊपर चिपकाना है कहीं पे यहाँ पे विश लिखना है पहल क्या लिखा है पहल मोर लव टू पता नहीं उसने क्या लिखा है उसको ही नहीं समझ में आ रहा चलो नाउ स्टिक इट पहल अपने फ्रेंड का नाम शायद लिख रही थी स्टिक इट ओके स्टिक इट ओके यहाँ पे पहले लिख दिया है एंड मैंने यहाँ पे लिखा है फाइल एक सब्सक्राइबर टू विजय ठक्कर वाला तो देखते कब होता है ये बट ठीक है भाईका व्हाट यू वांट टू राइट इसको विश लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं विश लिख रहा हूँ मेरी विश पूरी हो गई तो इसकी भी विश पूरी हो जाएगी ओके बट दिस इज चीज केक इज इट हैज ओके 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 देन गिव मी दैट वन या वेजिटेरियन ऑप्शन थैंक यू तो वेजिटेरियन ऑप्शन ये था एंड पहल ट्राई ओके पहल ने तो ट्राई किया पाएगा यू प्लीज ट्राई आइसक्रीम पकड़ ओके अभी मैं ट्राई करता हूँ ओके आइसक्रीम जैसा तो नहीं है बट ठीक है ओके थैंक यू ओके तो अभी यहाँ पे लास्ट एक आई थिंक प्लेस है स्प्रिंकल पॉप तो पूल है स्प्रिंकल का पूल है तो यहाँ पे शूज वगैरह निकालने बोला है और अभी तो फिलहाल हम लोग सिर्फ पहल को भेज रहे हैं फिर देखते क्या होता है ये है ओके जंप पहल ये अच्छा है ये। तो पहल के लिए ये सबसे परफेक्ट जगह है अभी 15-20 मिनट वो यहाँ पे मजे करेंगे और हम लोग 15-20 मिनट बैठ के आराम करेंगे निकल रहे यहाँ से बहुत अच्छा टाइम हो गया यहाँ पे मजा आया इवन हम लोग ने भी मजा किया और पहल को तो थोड़ा मतलब बोल के देना पड़ा कि चलो भाई अभी अपना टाइम हो गया हम लोग यहाँ पे आए थे 12:30 को अभी ऑलमोस्ट 2:20 हो गए हैं तो अच्छा खासा टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया और ये एक अच्छा डिसीजन था यहाँ पे आना इसके लिए तो स्पेशली एक अच्छा एक्सपीरियंस था अभी यहाँ से हम लोगों को बाहर निकलना है और ये भाई इनका बाहर निकलते ही है इनका छोटा बहुत शॉप है ऐसा अभी देखते हैं यहाँ से कुछ अगर अच्छा लगा तो लेंगे पहल का हम लोग ने यहाँ पे ये एक टी शर्ट लिया है ये वाला जो टी शर्ट है ये वाला टी शर्ट मुझे अच्छा लगा इसलिए हम लोग ने लिया है और ये एक यूनिकॉर्न लिया है पहल के लिए ओके और बाकी सारी चीज़ है देट इज 38 Singapore dollars ओके तो बस ये अभी हमने यहाँ से चीज़ ली अभी यहाँ से बाहर जाके थोड़ा रेस्ट रूम वगैरह जाएंगे फिर कैब करके अगेन बैक टू होटल बाहर आ गए हैं एंड अभी मैंने वापस से वही ग्रैब फैमिली वाला टैक्सी बुक किया है 22.90 डॉलर मतलब सिंगापुर डॉलर बता रहा था अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल थोड़ा महंगा है जो हिसाब से सारी चीज़ें हैं अंदर वहाँ पे बट अगर आप सिंगापुर आए हो तो आपको सस्ता महंगा वो सब चीज़ सोचना नहीं पड़ेगा यहाँ पे सारी चीज़ महंगी ही है चलो पहल से पूछ लेते हैं उसको कैसा लगा पहल हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बेटा नाइस भाविका कैसा था एक्सपीरियंस ओके ओके तो बच्चे लोगों के लिए तो अच्छी जगह है ही अभी हम लोग हमारी टैक्सी का वेट कर रहे हैं एंड फिर यहाँ से जाएगी अभी होटल और होटल से हम लोग फिर शाम को स्काई फ्लायर क्या जवानों से भाई का संजय या स्काई फ्लायर का हमने टिकट बुक किया है तो वहाँ पे टाइम स्लॉट जैसा नहीं था तो हमारा प्लानिंग है कि अभी मैं होटल जाऊँगा और जो हमारा संडे वाला वीडियो है लास्ट सैटरडे है तो जो हमारा संडे वाला वीडियो है वो रिकॉर्ड करूँगा उसके बाद हम लोग होटल में थोड़ा रेस्ट करेंगे अगर लंच का कुछ प्लान बना तो वो करेंगे एंड देन शाम को हम लोग फ्लायर जाएंगे वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा
अभी हम लोग यहाँ पे उतर गए हैं एंड अभी हम लोग कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, जो कल मैंने आप लोगों को बताई थी ना वो जगह जहाँ पे वो अपने कलकत्ता वाले भाई थे, वो समोसा वगैरह देख के मैं वहाँ पे गया था। तो अभी वहाँ पे ट्राई करते हैं कि वहाँ का खाना कैसा है। मिस्टर तंदूर में राइस रोटी और ये आलू मटर खाया, और अभी ये वाले एक शॉप में आए हम लोग। यहाँ पे ये जो लेमन आइस टी है ना वो हम लोग ट्राई करने वाले हैं। हाय, कैन यू गिव मी वन लेमन आइस टी? आइस लेमन टी, यस। हाउ मच? $2, ओके। वन टू मैम $2, ओके, थैंक यू थैंक यू। तो ये हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, ये लोग आइस लेमन टी, मैंने लेमन आइस टी बोला, उसने बोला लेमन आइस टी, ठीक है। तो ये अभी हम लोग यहाँ पे पिएंगे। तो अभी ऑलमोस्ट 4:45 हुए हैं और हम लोग अभी निकले हैं सिंगापुर फ्लायर के लिए। अभी टैक्सी बुक किया है, आई गेस वो टैक्सी आ गया होगा बाहर, तो मैं देखता हूँ क्या है। ये हमारा टैक्सी आ गया है। यही है ना, एक मिनट देखने दो। 8492 या हाँ गो बेटा। जो हमारी कैब आई है वो किया की है एंड बहुत सही है। एक बात मैंने यहाँ पे नोटिस की है कि यहाँ की कार की क्वालिटी और हमारे यहाँ की कार की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है, मतलब हम लोग इसको मैच भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है हमारे यहाँ पे इंडिया में शायद वो मर्सिडीज एस क्लास या जो मर्सिडीज की कार्स होती है उसमें जो क्वालिटीज हमें मिलती है वो यहाँ पे नॉर्मल लोकल कार में मिलती है, और ज़्यादातर यहाँ पे हुंडई होंडा एंड जो सुजुकी की एक कार मैंने देखी, हुंडई होंडा और यही सब है, मर्सिडीज BMW ये सारी चीज़ें हैं। जो टोयोटा, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट टोयोटा की कार है। जो वेलफायर हमारे यहाँ पे सबसे रिच लोग यूज़ करते हैं वो यहाँ पे टैक्सी में यूज़ होती है, तो ये भी एक चीज़ है। आप देखिए यही फ़ायदा है डेवलप कंट्री में होने का। और सही है, रोड तो आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे कैनाल जैसा है, कभी आएंगे वॉक करने के लिए टाइम मिला तो। यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे ही कुछ इसका एंट्रेंस है, ये level 1 level 2। यहाँ पे देखिए कि क्या है। तो ये है हमारा हमारा मतलब इन लोगों का सिंगापुर फ्लायर, और यहाँ पे भी भाई फॉर्च्यूनर है। देखो जितने भी अपने पॉलिटिशियन है भाई, आपकी फेवरेट कार यहाँ पे भी सबकी फेवरेट है फॉर्च्यूनर, तो सही है। ये काउंट कर रही है सेंट वगैरह सारी चीज़ें। चलो अभी ऊपर जाके देखते कैसा है। यहाँ पे भी इन्होंने ऐसा फूड कोर्ट जैसा बनाया है, आप खा सकते हो नारियल पानी और यहाँ के फ्रूट्स। अब हम लोग इनके क्या था वो मैं देख रहा था, यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम कैप्सूल के यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये चीज़ एक है, एक अच्छा छोटा वाटरफॉल जैसा यहाँ पे इन्होंने बनाया है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं अभी थोड़ी देर के लिए एंड यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करने के बाद जाएंगे। ये है अपना फ्लायर, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, स्लो स्लो मूव तो हो रहा है। पूरा जो एक सर्कल है ना वो 30 मिनट्स का है। ओके, तो अभी जाएंगे। ये देखो यहाँ पे सब पूरा इनका मैकेनिज्म है, देखते हैं ऊपर जाके कैसा एक्सपीरियंस है। यहाँ से गार्डन बाय द वे भी दिख रहा है, आई थिंक वो वही है। एंड हमारा जो एंट्रेंस है वो यहाँ पे है। तो पहले हम लोगों को टाइम कैप्सूल में जाना है, और आई थिंक यहाँ पे सारा जो सिंगापुर का हिस्ट्री है ना उसके बारे में उन्होंने बताया है, और उसके बाद फिर वहाँ से जाके मैं आपको दिखाता हूँ। फिर वहाँ पे जो है वहाँ से वो आपको ये फ्लायर में बिठाएंगे एंड देन पूरा एक 30 मिनट का राउंड है वो। तो अभी फ़िलहाल वहाँ पे जाते हैं, सारे टिकट्स वगैरह देते। अभी मैंने यहाँ पे क्लुक करके ऐप है, हमारे बहुत सारे सिंगापुर के जो हमारे सब्सक्राइबर फॉलोअर फ्रेंड है उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि सर आप क्लुक डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ऐप डाउनलोड किया, क्लुक और ग्रैब। ग्रैब से हम लोग टैक्सी पकड़ रहे हैं और क्लुक से जो भी डेस्टिनेशन है उसका हम लोग टिकट निकाल रहे हैं। तो ये रहा, ऐसा है पूरा ये सीन यहाँ पे। चलो देखते हैं, यहाँ पे रश तो नहीं है, मैंने एक्सपेक्ट किया था रश होगा पर है नहीं। तो भाई ये है इनका टाइम कैप्सूल,
अब यहाँ पे पूरा इन्होंने अपनी हिस्ट्री के बारे में बताया है। तो इनके पूरे हिस्ट्री के बारे में है यहाँ पे। मैं देखता हूँ क्या है। अब देखो, अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा। यहाँ पे जो भी है, मतलब जिसको भी सिंगापुर के हिस्ट्री के लिए जानना है तो आपको पहले ये वाली इससे करना है और फिर आपको वो फ्लायर में जाना है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, कैसा है, और कुछ अगर इंटरेस्टिंग होगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे सारी चीज़ बता रहे हैं कि कहाँ से कौन से गुड्स और सर्विसेज से सिंगापुर ने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ बता रही है यहाँ पे। कहाँ से कौन सी चीज़ आई यहाँ पे भी सब चीज़ है, ये आपको यहाँ पे दिखेगा कैसे प्रॉपर डेवलप हुआ है। इसके लिए ये बोरिंग है। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो, पहल को डर लग रहा है यहाँ पे आने के लिए, बट उन्होंने यहाँ पे देखो पूरा ऐसे सी जैसा बनाया है। ऑब्वियसली ये लाइट है, कुछ है नहीं इसमें, पूरा सी जैसा बनाया है इन्होंने। और यहाँ पे ये है फ्लायर, चलो मैं उसको लेके आता हूँ। वो टाइम कैप्सूल से हम लोग अभी निकले बाहर और यहाँ से ऊपर जाना है। अब ऊपर देखते, आई थिंक ऊपर देखते क्या है। अभी ये लेवल 2 है और यहाँ पे जैसे ओपन करेंगे अब वापस से जर्नी है यहाँ पे। थोड़ा बहुत और दिखा रहे हैं। ओके, सिंगापुर के फूड के बारे में है। तो यहाँ पे पूरा इनका ऐसे लाइट का चल रहा है और आप यहाँ पे खड़े रह के फोटो वगैरह ले सकते हो। यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई है जिसके अंदर ये सब चल रहा है और यहाँ पे पूरा मिरर है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये सारी चीज़ है, पूरा उन्होंने बहुत अच्छा एनिमेशन वगैरह सब किया है। अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब वो सब शो वगैरह, लाइट वाइट। अगर आप लोगों को सिंगापुर की हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। वैसे मैंने तो कुछ ज़्यादा किया नहीं, वैसे हम लोग आ गए, बाकी वो लाइट वाला अच्छा था। अभी हम लोग फ्लायर के पास जा रहे हैं और यहाँ से देखो, यहाँ से सारी बिल्डिंग सिंगापुर के, वो गार्डन बाय द वे है। ओके चलो, अभी हम लोग को फ्लायर के पास जाना है। यहाँ पे सारी चीज़ें है कि फ्लायर क्या, कितना बड़ा है, क्या क्या, कितने चीज़ों को यूज़ किया है, कितना वेट है उसका, कितनी बसेस आ सकती है, कितने पार्किंग ये आ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पे इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी सारी चीज़ें अच्छी है, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बनाया है और बहुत ही सिस्टमेटिकली सब चीज़ें हैं। तो आप कहीं पे भी, मतलब आपको किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस ये एक अच्छी चीज़ है। अभी जो मेन है हमारा चीज़, उसके लिए हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, उन्होंने बताया कि कैसे उसको बिल्ड किया था, कितना टाइम लगा, कितने ग्लासेस है, क्या है, यूवी ग्लासेस यूज़ किए हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल में बताई है। अगर आप लोगों को फ़ोटो खींचना है तो यहाँ पे फ़ोटो भी खींच सकते हो फ्लायर के साथ। और फाइनली ये है हमारे फ्लायर का एंट्रेंस। अभी यहाँ से जाके, इतना रश नहीं है, मैंने सोचा था कि रश होगा, बट रश तो है नहीं। ठीक है, अच्छा है, रश नहीं है तो करेंगे। अभी टाइम हुआ है 5:21, देखते कैसा एक्सपीरियंस है। ये देखो आ गया पहला, मज़ा आएगा, चलो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन है, मतलब आप देख सकते हो, ज़्यादा नहीं बट इतनी लाइन है। और जैसे जैसे आएगी, अभी मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे लोग एक ये कैप्सूल में एक ही फैमिली को बिठा रहे हैं कि क्या, देखते क्या है। उसमें तो चार लोगों को ही बिठाया है, देखते क्या होता है। अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं ये इसके अंदर। अभी हम लोग को लग रहा था कि एक ही फैमिली को ले रहे, भाई कहाँ यहाँ भी जा, पर ऐसा नहीं है, दो फैमिली को ले रहे हैं। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं एंड ये है हमारा राउंड। अब धीरे धीरे चलेगा, ऊपर जाएगा, आप लोगों को और बताऊंगा। यहाँ पे फ्लायर्स की आई गेस डिटेल दी है। यस, तो यहाँ पे अपने को पूरा चीज़ दिखेगा कि हम ऊपर से कौन सी चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो से। अभी मेरे को हाइट फोबिया तो है, बट आई नो ये प्रॉपर सेफ है तो कुछ होगा नहीं, पर देखते ऊपर जाके कैसा लगता है। अभी तो बस थोड़ा सा ही ऊपर हम लोग आए हैं एंड ये व्यू है यहाँ से। ये आंटी को खांसी बहुत हो गया है,
अगर मेरे पास फिक्स होता तो दे देता। Yes. ये कल हम लोग वहाँ पे जाने की प्लान कर रहे हैं आई थिंक। हाँ बेटा करो ठीक। मैं बात करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को पूरा फॉर्मूला वन का ट्रैक रेस देखने मिलेगा। तो ये एक सही जगह है, वहाँ पे आपको वेसल्स वगैरह देखने मिलेंगे जो खड़े हैं। बहुत सही है, मतलब वसूल है। अगर आप आते हो यहाँ पे तो आपको जरूर आना चाहिए। यहाँ से गार्डन बाय द बे और आई थिंक वो क्लाउड फॉरेस्ट है। मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो ये रहा, और बहुत सही है, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। ये क्या से मने ओके, ये वो होटल है जहाँ पे हम लोग ऊपर टॉप में गए थे, मरीना बे सैंड। अब हम यहाँ से टर्न करके अब दूसरे साइड पे फ्लिप करेंगे। अच्छा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे सब रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से अलग एक व्यू दिख रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ये पता नहीं क्या है, अगर आप सिंगापुर से हो तो आप मुझे बोलो। ये वो मॉल है मरीना बे वाला, जो होटल वाला है वो। और यहाँ पे ये एप्पल का स्टोर है, मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। एप्पल का स्टोर ये है, और ये आर्ट एंड साइंस है ना भाई का। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये आर्ट एंड साइंस म्यूजियम है। तो अच्छा है, हम लोग अभी 5:33 को हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, और ये आपको एक व्यू दिखा देता हूँ ऊपर का। ये बहुत सही लग रहा है, बहुत ही अच्छा है एक्सपीरियंस भाई का। कुछ से कैसा लग रहा है? ओके गुड। पहल कैसा लग रहा है तुझे? पहल को थोड़ा डर लग रहा है, देखते हैं। अभी हमारा राइड कंप्लीट हो गया, एंड ये जो यहाँ पे मैडम थी ये बोल रही थी आप बच्चे को संभाल के पकड़ के उतारो। इसको ये पता नहीं, अपने यहाँ पे मुंबई लोकल ट्रेन में हम लोगों को चालू ट्रेन से उतरने की आदत है। इसकी तो स्पीड भी बहुत स्लो है। हाँ बच्चे के साथ नहीं है, बट इसकी स्पीड कंपेरेटिवली बहुत ही स्लो थी। तो अच्छा था राइड, ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए अगर आप सिंगापुर आते हो तो, एंड आप ज़रूर आना। आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ऊपर से पूरा आपको सिंगापुर दिखेगा। एंड अच्छा था। अभी हम लोग क्या जाऊँ थे भाई का? अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं मलाइन पार्क जाने के लिए। अब वापस से यहाँ पे शॉपिंग जैसा कुछ है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जो गए थे यहाँ से अभी बाहर निकले हैं, एंड अभी हम लोग वो लायन सी लायन पार्क नहीं भाई का, मर लायन पार्क जा रहे हैं। और यहाँ से हम लोगों को बता रहे हैं कि 18 मिनट्स ओके। तो बाय वॉक 18 मिनट्स है, देखते हैं। यहाँ पे ये बस स्टॉप भी है, थोड़ा बहुत यहाँ पे पूछते इंक्वायरी करते कैसे जाना है। आप यहाँ के रोड और ये देखो, ये आ गई, यहाँ पे एक बस है, पता नहीं ये बस जाती है कि नहीं। हाय बाय, यही मैडम थी जो खांसी खा रही थी, फिर इनको हम लोग ने चकली खिलाया। ये ऑस्ट्रेलिया से है ओके। तो अभी यहाँ पे देखते हैं बस का क्या है, कौन सी बस जाती है, या फिर हम लोग बाय वॉक ही चले जाएंगे। ओ भाई लोग, यहाँ पे डेपो दिख रहा है, डेपो जैसे अपने अंधेरी में मजास डेपो है, वैसे यहाँ पे भी एक डेपो है। चलो आगे जाते हैं, देखते हैं। यहाँ पे तो कोई वो बलेनो और स्विफ्ट ये सब गाड़ी दिख ही नहीं रही है। यहाँ पे सब अच्छी कार है, और रोड भी बहुत अच्छे है यहाँ पे। या एंड ये बस स्टॉप यहाँ पे, अभी हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग तो चल के ही जा रहे हैं। ऑलमोस्ट नज़दीक आ गए हैं, अभी 600 मीटर दिखा रहा है। और यहाँ का वाइब आप देख सकते हो कैसा है, पूरा ऐसा स्ट्रीट पे इन्होंने सब स्टोर्स बनाया है। यहाँ पे आपको खाना है तो आप खा सकते हो, वहाँ पे अपने लेक के पास इन्होंने एक अच्छा वॉकिंग के लिए बनाया है, सब लोग साइकिल चला रहे हैं, यहाँ पे चिल करके खा रहे हैं। ये देखो वहाँ पे कोई गाना गा रहे हैं ओके। वो रहा जिसके लिए हम लोग यहाँ तक वॉक करके आए थे, हमको दिख रहा है तो
यस चलो वहां तक पहुंचते ब्रिज चढ़ के फिर वहां पे जाना है। ये ज्यादा लंबा नहीं है, अभी आपको फोन में लंबा दिखता होगा। अच्छा खासा क्राउड है वहां पे, मैंने पहली बार इतना क्राउड देखा है सिंगापुर में। चलो जाते, ये ब्रिज है जिसको क्रॉस करके हमें वहां जाना है। एंड बहुत सही है, मतलब अगर आप यहां पे रहते हो तो यहां पे घूमने के लिए भी आ सकते हो, अच्छी जगह है। यहां से वो होटल आपको पूरा दिख रहा है जो सिंगापुर का मेन अट्रैक्शन आप बोल सकते हो जिसे। और ये देखो यहां पे ये फ्लावर्स, और ये पूरा अच्छा लग रहा है, अच्छा लेन है। आ गया भाई जिसके लिए हम लोग इतना वॉक करके आए थे। ये देखो यहाँ से बोटिंग भी है, पता नहीं कहाँ से बोटिंग हो रहा है, बट यहाँ से वो बोटिंग जाके लेके जा रहे हैं। आई डोंट नो, शायद यहाँ से हो रहा है या कहाँ से हो रहा है वो पता नहीं है। और यहाँ पे देखो ये पूरे स्ट्रीट पे मस्त एकदम ग्लास वाले है, अच्छा है, अच्छा वाइब है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना घूम रहे हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे है जो टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, कोई यहाँ पे जॉगिंग कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई साइकिलिंग कर रहा है, अच्छा है। अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे फिर जाएंगे। तो ये है वो मरलाइन जिसके लिए हम लोग इतना वॉक करके आए थे, अभी अच्छा है। अभी तक मैंने सबसे ज्यादा क्राउड अगर देखा है तो वो यहाँ पे ही है। अब यहाँ पे देखो कितना रश है, मतलब इसको हम लोग रश बोल सकते हैं। और ये है वो सिंगापुर मरलाइन। तो अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे, आपको यहाँ से ये होटल दिखेगा, ये आर्ट, मेरे ख्याल से ये वो है भाई का इशू है, आर्ट एंड साइंस, और जहाँ पे हम लोग वहाँ पे गए थे वो। तो मोस्टली यहाँ से आपको बहुत सारी, और ये भी कुछ तो है, अभी मुझे पता नहीं क्या है, मोस्टली यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी। तो अच्छा अट्रैक्शन है यहाँ पे, और वहाँ पे आपको खाने के लिए पूरा ऐसा बनाया है लोग ने, बहुत सही है। अभी हम लोग थोड़ा टाइम पास करेंगे यहाँ पे और फिर जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे बैठे थे एंड ये बहुत अच्छी जगह है, और आप भी देख लो, हमने यहाँ पे वो वाले फ़ोटो खींचे ऐसे आ वाले, और ऐसे सारे दो तीन जो पोज थे वो हमने यहाँ पे खींचे हैं। अब हमारा प्लान है कि यहाँ पे जो भी फूड कोर्ट है, यहाँ पे जो भी मिल रहा है रास्ते में, हम लोग वहाँ पे जाते हैं, ट्राई करते हैं कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए, और अगर कुछ अच्छा खाने मिला तो वो हम लोग खाएंगे। यहाँ पे खाने के लिए कुछ मिला नहीं, मतलब दो तीन ऑप्शन थे पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी क्या करना है भाई का, व्हाट इज़ द प्लान भाई? ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं। हाँ बेटा, कोक पिए गए। अभी हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से निकलते हैं दूसरे जगह पे, कहीं पे जाके कुछ खाएंगे, जैसे हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वो एरिया में, लिटिल इंडिया जाना, लिटिल इंडिया। ओके, तो ये देखो रात का सीन कुछ ऐसा है यहाँ पे, ये वो जो फ्लायर है जहाँ पे हम लोग गए थे, और ये पूरा लाइट के साथ अभी अच्छा हो गया है। और यहाँ पे सारी जो बैंक्स की बिल्डिंग है, बहुत सारी चीज़ें, वी वर्क भी है यहाँ पे, बहुत सही चीज़ है। ओके, अभी हमारा प्लान है यहाँ पे थोड़ा बैठते हैं, एंड देन विल गो टू सम अदर प्लेस। मोस्टली हम लोग जहाँ पे रुके वहीं जाएंगे, अदरवाइज लिटिल इंडिया देखते क्या करते हैं। अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन पे आ गए, नियरेस्ट वाले मेट्रो स्टेशन में, और हमें जो हमारा जो लेवेंडर है वो ग्रीन में है, तो अभी हम लोगों को देखना है कि वो कैसे आएगा यहाँ से। ओके, हम लोग यहाँ पे है एंड हम लोगों को यहाँ पे जाना है। तो बस अभी यहाँ पे लोग मेट्रो भी आ गई, अब मेट्रो में जाएंगे, होटल में जाके थोड़ा फ्रेश हो गए, और फिर जहाँ पे दोपहर को खाना खाया था ना वहीं जाके खाना खाएंगे, और आज का दिन फिर यहीं कंप्लीट करेंगे। हम लोग वहाँ से यहाँ पे आ गए हैं। अभी ये हमने जब ही आए थे ना तभी हमने एयरपोर्ट से ये कार्ड लिया था, अभी हर कार्ड में हमने पैसे भरे थे। अभी देखो ये कार्ड को मैंने यहाँ पे रखा, आपको पता चलेगा उसका बैलेंस अभी सिंगापुर $7.13 है। तो ये कार्ड है ना, ये कार्ड हम लोग ने लिया था $8 में, और तभी हम लोगों को इसके अंदर $3 मिला था, और फिर हमने बाद में $10 और रिफिल किया था। तो कोई चीज़ नहीं है, अच्छा है यार, ये बहुत सही चीज़ है। मतलब जैसे हमारे मुंबई में लोकल ट्रेन बहुत सस्ता है, वैसे यहाँ पे MRT बहुत सस्ता है। अभी भाविका और पहर ये शॉप में गए हैं, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा करेंगे, बाकी अभी यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे ही मेरा होटल आ जाएगा। अभी हम लोग फ्रेश हो गए हैं, और जहाँ पे दोपहर को खाना खाया था वहीं पे जाके फिर से खाना खाने की देख रहे हैं। और अगर तुमने वहाँ पे चाइनीज का भी कुछ देखा था ना, वेजिटेरियन चाइनीज, तो देखते अगर हाँ, तो
अगर वहाँ पे कुछ अच्छा ऑप्शन और दूसरा मिलेगा तो ट्राई करेंगे। यहाँ पे बैठे हैं और वही मिस्टर तंदूर में भाविका गई है ऑर्डर करने के लिए। अभी पहल को राइस खाना है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे भी राइस खाना पड़ेगा, भाविका को भी राइस खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं और भाविका ज़्यादा राइस नहीं खाते हैं, हमारा इतने में ही हो जाता है खाने में। तो अगर हम पहल के लिए राइस ऑर्डर करेंगे तो वो तो हमसे भी कम खाएगी, तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग ने एक राइस बोलेंगे, और जो आफ्टरनून में हमने वेजिटेबल मटर और आलू वाला ट्राई किया था वही खाए के वो बेटर था, अच्छा था। और दो रोटी, बस ये है हमारा आज का भी डिनर। और ये देखो डिनर आ गया, मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसा है। ये आ गया अब ये राइस की, अभी किसी के लिए ये एक अकेले पर्सन के लिए हो सकता है, बट हम इसमें तीनों लोग खा सकते हैं आराम से। एंड अभी दो रोटी आएगी, तंदूरी रोटी, तो वो हो जाएगा हमारे लिए सेट। हमारा खा के हो गया है, अभी कुछ प्लान नहीं है, अभी सिर्फ मैं होटल में जाऊंगा और जो हमारा मतलब संडे का वीडियो है उसको फाइनल करना है, पूरा एडिट करना है, और फिर आप लोग उसको संडे ऑलरेडी आप देख चुके होंगे वो वीडियो को। तो बस आज का हम लोग ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। आज का हमारा थर्ड डे था सिंगापुर में, और आज का दिन भी बहुत अच्छी तरीके से हमने इंजॉय किया। अभी मैं आप लोगों को कल मिलूंगा दूसरे ब्लॉग में, मतलब नया ब्लॉग स्टार्ट करूंगा नए दिन में। तो अभी जो भी हमने किया तब तक के लिए, मतलब अगर आप लोगों को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप हमारे ब्लॉग को लाइक कर सकते हो। अगर आपने इसमें कोई वैल्यूएबल चीज़ तो नहीं दी, पर अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।